आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. खड़गे को मिलेगी भारतीय महागठबंधन की कमान. अमेरिकी आरोपों पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया. सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तालुका में कार्यकर्ताओं का संकल्प. निमोनिया विकार को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन. रोटरी परिवार द्वारा कृत्रिम अंग शिविर 3 दिसंबर को होगा. जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन उत्सव योजना का शुभारंभ. हलगा परियोजना के लिए नगर पालिका अधिक मुआवजा देगी. पूर्व नगर सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में शिवाजी सुंडकर का चुनाव. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज. सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा स्मार्ट व्हा. यह दिवाली अमर कौन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर. सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी. थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी. और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खड़े बाजार, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. गैर कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को कहा कि केवल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए 28 विपक्षी दलों के भारत महागठबंधन का साथ लेने की क्षमता रखते हैं. इसलिए ऐसी संभावना है कि विपक्षी भारत ग्रैंड अलायंस की कमान आधिकारिक तौर पर खड़गे को सौंपी जाएगी. 80 साल की उम्र पूरी कर चुके खड़गे 50 साल से चुनावी राजनीति में भी सक्रिय है. उनकी जीवनी संबंधी एक पुस्तक प्रकाशित की गई है. ये पुस्तक कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा जारी की गई. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट और पीपुल्स पोस्ट के संपादक पत्रकार चेतन शिंदे ने इस पुस्तक का संपादन किया है. अमेरिकी आरोपों पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया. हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है. अब गुरपतपन सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका ने भारत पर उंगली उठाई है. फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतपन सिंह पन्नू को मारने की भारत की साजिश को नाकाम कर दिया है. अमेरिका ने भारत को इस साजिश में शामिल होने के बारे में चेतावनी दी. इस बीच भारत पर अमेरिका के आरोपों पर मोदी सरकार ने जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर बागची ने कहा, अमेरिका में एक व्यक्ति की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक शामिल होने का आरोप चिंताजनक है और हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ है. सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तालुका में कार्यकर्ताओं का संकल्प. कर्नाटक सरकार बेलगा में 4 दिसंबर से विधानमंडल सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इसका कड़ा विरोध किया है. साथ ही उसी दिन महामेलावा आयोजित करके करारा जवाब देने का निर्णय लिया गया है. इस सम्मेलन को सफल बनाने का निर्णय बेलगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में लिया गया. मराठा मंदिर में हुई इस बैठक में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया गया. तालुका के कोने कोने से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भव्य बैठक को सफल बनाने के बारे में अपनी राय व्यक्त की. निमोनिया विकार को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन. जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने निर्देश दिए कि इन्फ्लुएंजा, वायरल निमोनिया, डेंगू, पीलिया, आईएलआई सारी सहित किसी भी प्रकार का रोगी पाए जाने पर तालुका अस्पताल में तत्काल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए. वहीं संक्रामक रोगों को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. समाहरणालय सभाकक्ष में रोग निवारण बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वायरल निमोनिया के मरीजों को तत्काल उचित इलाज उपलब्ध कराने के लिए तैयार है. सरकारी अस्पताल, बीम्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को कार्य करना जारी रखना चाहिए. जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपातकालीन उपचार के लिए ऑक्सीजन, चिकित्सा आपूर्ति और अलग कमरे तैयार रखने का निर्देश दिया.
रोटरी परिवार द्वारा कृत्रिम अंग शिविर 3 दिसंबर को होगा। बेलगाम के रोटरी परिवार ने जरूरतमंद विकलांग लोगों के लिए 3 दिसंबर को एक मुफ्त कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया गया है। इस अभियान के लिए पुणे के साधु वासवानी मिशन और रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी को भरतेश किचन इंस्टीट्यूट का समर्थन मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि ये कैंप 3 तारीख को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मुरगळे, कविता कांगनी, रोटरी सहायक प्रांतीय रेणु कुलकर्णी, डीपी पाटील, राजेश तालेगाव, रोटरी अध्यक्ष संजीव देशपांडे, सतीश नाईक और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन उत्सव योजना का शुभारंभ। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अब जीवन उत्सव नाम से एक बीमा योजना शुरू की है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस योजना के जरिए पॉलिसी धारकों को विशेष वित्तीय लाभ मिलेगा। इस योजना के शुभारंभ के दौरान बेलगाम डिवीजन के वरिष्ठ प्रबंधक बीपी रवि, सेल्स मैनेजर मनोज मैथ्यू, प्रबंधक संजय माने और अन्य सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नागरिक जीवन उत्सव पॉलिसी के माध्यम से इस योजना में निवेश कर सकते हैं। योजना उन्हें उनके आयु वर्ग और उनके निवेश के अनुपात में वित्तीय लाभ देने की है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते निगम अब नई योजना के माध्यम से ग्राहकों को सेवा देने के लिए तैयार है। हलगा परियोजना के लिए नगरपालिका अधिक मुआवजा देगी। हलगा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। पहले भी शिकायतें की गई है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए बुधवार को हुई बैठक में इन किसानों को मुआवजा देने पर चर्चा की गई। नगरपालिका से अधिक मुआवजा दिलाने का प्रयास करने का निर्णय भी लिया गया। नगरपालिका में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ऐसे में अब किसानों को राहत मिल गई है। राजू सेठ ने आश्वासन दिया कि सीवेज प्रोजेक्ट के लिए हलगा में कुल 19 एकड़ जमीन दी गई है। किसानों की मांग पर विचार कर उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। पूर्व नगर सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में शिवाजी सुंडकर का चुनाव। पूर्व पार्षद संघ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर को संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व मेयर नागेश सातेरी ने की। इस बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं की समीक्षा की गई। नगर पालिका की प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। शहर की समस्याओं को लेकर पूर्व पार्षदों के सहयोग से प्रयास करने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक रमेश कुर्ची, पूर्व महापौर सरिता पाटिल आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1,000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज हुंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज हुंडा डियो स्कूटर, तीसरा प्राइस 50 इंच LED TV और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेलगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेलगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेलगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेलगावी।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। छावनी सीईओ के आनंद ने अपने आवास पर आत्महत्या कर ली, इसके चलते शनिवार से उनका सरकारी बंगला सील कर दिया गया है। इसलिए नए प्रभारी सीईओ बी अजित कुमार रेड्डी द्वारा आवास की व्यवस्था छावनी परिषद परिसर में गेस्ट हाउस में की जाएगी। आत्महत्या करने वाले सीईओ का शनिवार को पोस्टमार्टम किया गया, उसकी रिपोर्ट आने में अभी 10 दिन और लगेंगे, उसके बाद आत्महत्या का सही कारण समझ में आएगा। उनके सरकारी आवास को शनिवार से सील कर दिया गया है। बंगले के बाहर मौजूद के आनंद के नाम पर लगाया गया बोर्ड भी हटा दिया गया है। कैपिटल वन द्वारा नाट्य प्रतियोगिता 3 फरवरी से होगी। कैपिटल वन इंस्टीट्यूट की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 और 4 फरवरी को नाट्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा तीनों राज्यों से थिएटर ग्रुप आते हैं। अंतर्राज्यीय समूह के भीतर टीमों की स्क्रीनिंग और वर्चुअल तरीके से जाँच की जाती है। विधि के अनुसार विद्यालय का चयन किया जाएगा। सदाशिव नगर स्मशान भूमि में छत गिरने की स्थिति में। सदाशिव नगर शमशान घाट के शेड पर लगे छत खतरनाक स्थिति में है। कब्रगाहों की खतरनाक स्थिति को लेकर मीडिया में कई बार खबरें प्रकाशित हो चुकी है। सदाशिव नगर स्थित में खतरनाक की जानकारी मानपा प्रशासन को होने के बावजूद भी प्रशासन ने दुर्लक्ष किया है। इसी बीच गुरुवार की सुबह अचानक खतरनाक छत का एक हिस्सा ढह गया। नगर निगम के कर्मचारी शंकर कामले घायल होने से बच गए। बेलगाम इंजीनियर्स द्वारा दिखाए गए लाइव फुटेज। उत्तराखंड में एक सुरंग में फंस गए 41 श्रमिकों को निकाला गया। हालांकि रोबोटिक कैमरे के जरिए दुनिया तक उन मजदूरों की लाइव फुटेज बेलगाम से दिखा रहा हूं, एलएनडी के इंजीनियरों ने कहा। बाल शिवाजी पुस्तकालय के स्वर्ण जयंती समिति का चुनाव। श्री बाल शिवाजी पब्लिक लाइब्रेरी मच्छे की स्वर्ण जयंती कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया गया। बाल शिवाजी लाइब्रेरी के संस्थापक अनंत लाड को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, बजरंग धामणेकर को उपाध्यक्ष और अरुण कुंडेकर को प्रशासक चुना गया। इसके साथ ही पुस्तकालय की स्थापना के दौरान सर्वश्री एमपी लाड, भूमानी बिरजे, जयकुमार चौगुले, प्रोफेसर शिवाजी कनबरकर, जेएम नावगेकर, एडी अन्नाप्पा पाटिल और कृष्णा अनकुलकर को नियुक्त किया गया। बूढ़ी औरत द्वारा पति और बेटे को सिखाया गया सबक। एक पति जो अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार करता है, उसे अपने बेटे के साथ द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। अपर मुख्य परिवार न्यायालय ने आदेश दिया। शांता कृष्णा निलस्कर को उनके पति कृष्ण चन्नप्पा निलस्कर के बेटे सिद्धराय ने घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए शांता को अपने बेटे के साथ हल्का में रहना पड़ता है। उन्होंने अपने पति और उसने बच्चे के खिलाफ भरण पोषण के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के बाद जज ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले में 3 पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला। बेलगाम शहर और जिले में सेवा के 3 पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति हो गई है। उपाधीक्षक इसमें नारायण बर्मानी, महंतेश्वर जिद्दी और रमनगौड़ा हट्टी शामिल है। बर्मानी वर्तमान में बेलगाम मार्केट डिवीजन के अंतर्गत आता है, एसीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें धारवाड़ का अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है। आईजीपी कार्यालय में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक बाघलकोट जिद्दी को जो उपाधीक्षक है इसलिए प्रमोशन किया गया है। रामदुर्ग हट्टी को बीजापुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।